हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल बेबी फ्रॉक कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ऊपर के बॉडी के पार्ट के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से डबल किया है। डबल करने के बाद फिर एक बार डबल कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो निकालते हैं। तो इस तरह से हमने पहले एक बार फोल्ड किया था, फिर दोबारा फोल्ड किया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो यहाँ लंबाई हमें 6 इंच चाहिए, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम गले के लिए 2 इंच पे मार्किंग करते हैं। शोल्डर के लिए हम 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम आर्महोल लेते हैं 4 इंच। इस तरह से हमने ये आर्महोल लिया है 4 इंच पे। यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं। चेस्ट का 1/4 है हमारा 6 इंच। इसमें भी 1 इंच प्लस करेंगे, आप चाहे तो 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 इंच लिया है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये 1.5 इंच पे जो मार्किंग की है ये हमारा आर्महोल की गोलाई देते हैं। इस तरह से हमें ये आर्महोल की गोलाई देनी है। यहाँ पे हमें गले के लिए मार्किंग करनी है। गला लेंगे हम 3 इंच पे। इस तरह से हम इसका बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप देते हैं। इस तरह से हमने ये राउंड शेप दिया है। अब यहाँ पे हमें जैसे कमर का जो नाप होता है हमारा, चेस्ट ली हमने 6 इंच, तो कमर लेंगे हम 5 इंच। 1 इंच हमें कमर कम लेनी है। इसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले आर्महोल को कट कर लेते हैं। फ्रंट और बैक साइड का छोटे बेबी का है, इसीलिए फ्रंट और बैक साइड हमने सेम ही रखे हैं। इस तरह से हमने ये ऊपर का जो बॉडी पार्ट है उसकी कटिंग की है। अब नीचे का जो घेरा है उसकी कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये घेरे के लिए कपड़ा लिया है। तो इस तरह से हमने ये कपड़े को फोल्ड किया है, एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद ये हमने स्ट्रेट लिया है। अब इसकी लंबाई लेते हैं। लंबाई लेंगे हम घेरे की, हमें 11 इंच चाहिए तो हम 12 इंच लेंगे। जैसे 11 इंच हमारी तैयार आएगी और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ हमें क्या करना है, जैसे जितना हमारा ये ऊपर का बॉडी पार्ट है उतना आपको पहले घेरा नापना है। इस तरह से ये घेरा आता है। इसमें हमें बीच में प्लेट डालनी है। जैसे बैक साइड में और फ्रंट साइड में जो बीच में हम प्लेट डालने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना है 5 इंच। तो हमने यहाँ पे 5 इंच लिया है एक्स्ट्रा, तो हम 5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। नीचे के साइड में भी हम 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें 5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा जो लिया है हमने, इसके ये जो एक्स्ट्रा लिया है ये बीच में हमारे प्लेटें आएंगी और बाकी की जो बॉर्डर है उसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे इस तरह से ये घेरा आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आप चाहे तो इस तरह से एक प्लेट डाल सकते हैं। इस तरह से ये प्लेटें डालनी हैं ऊपर के साइड में भी और बैक साइड में भी। इस तरह से ये प्लेटें आएगी।
इसके ऊपर हमें इसको स्टिच करना है और यहाँ पे हमारी ये प्लेट आएगी। तो ये हम सिंपल बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। ये इस तरह से हमारा प्लेट आती है और दिखने में भी ये फ्रॉक बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग करके दिखाई है। अगर इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।